नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित ज्ञानदूत 2.0 में मैं कल्पना गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एल्डिहाइड और कीटोन का थर्ड पार्ट कवर करेंगे। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज हम करेंगे रिवीजन सेकंड वीडियो लेक्चर का और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम करेंगे। कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता को समझेंगे और न्यूक्लियोफिलिक युग्मात्मक अभिक्रियाएं भी हम समझेंगे। सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियों को समझा था और पढ़ा था। आइए उन सब विधियों को एक बार समराइज करते हैं। एल्डिहाइड बनाने के लिए हमने जो यूज किया था, जो मेन रिएक्टेंट था वो था एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड का अगर हम अपचयन करते हैं पैलेडियम और बैरियम सल्फेट की उपस्थिति में, तो ये एक नेम रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं रोजनवुड रिडक्शन। इसके अलावा एल्डिहाइड को हम एसिटाइल क्लोराइड के इस रिड्यूसिंग एजेंट लेकर भी बना सकते हैं। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये है सब्स्टिट्यूटेड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसके साथ भी रिडक्शन अगर हम करते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलती है। और इस रिएक्शन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ये सिलेक्टिव रिडक्शन है, इसलिए इसे लो टेम्परेचर पे किया जाता है जिससे कि एल्डिहाइड का फर्दर अल्कोहल में रिडक्शन नहीं हो। इसके अलावा एसिटाइल क्लोराइड से जो हम कीटोन बनाएंगे वो हम ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड ले सकते हैं, विगनार्ड एजेंट हम यूज कर सकते हैं, डाई एल्किल कैडमियम हम यूज कर सकते हैं, लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट हम यूज कर सकते हैं, और जिसे हम गिलमैन रिएजेंट भी बोलते हैं। तो इनके साथ सीधा सीधा प्रोडक्ट आप कैसे बनाएंगे, जो Cl है आपको उसको हटा के कार्बन धात्विक यौगिक का R लगा देना है, इससे आप बना लेंगे कीटोन। अगर हमें एरोमेटिक कीटोन बनाना है तो हम कराएंगे फीडलक्राफ्ट रिएक्शन यानी कि एसाइलेशन। बेंजीन के साथ एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे लुईस एसिड की उपस्थिति में, तो इस तरह से हमें एरोमेटिक कीटोन प्राप्त होगा। इसके अलावा हमने एक और इम्पॉर्टेंट विधि पढ़ी थी, दैट इज बाय डाइथायंस। डाइथायंस के पास ये अम्लीय प्रोटॉन्स होते हैं, तो इनको हम ब्यूटिल लिथियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं पहले, जिससे कि ये जो प्रोटॉन है ये वीक है, तो हमें ये इससे ब्यूटिल लिथियम के द्वारा ये हट जाता है यानी कि बन जाता है डाइथायन एनायन, और फिर हम उसका एल्काइलेशन कराते हैं। जैसा भी हमें एल्डिहाइड कीटोन में R चाहिए वैसा ही हम एल्किल हैलाइड यहाँ पर लेते हैं, और उसके बाद हमने क्या कराया था, हाइड्रोलिसिस। तो हमें संगत एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड हमने किया था, एल्डिहाइड कीटोन को नाइट्राइल के द्वारा बनाया था। नाइट्राइल का भी हम क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। अगर हम अपचायक में टिन क्लोराइड और HCl का मिक्सचर काम में लेते हैं तो ये एक नेम रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन। इसके अलावा हम रिड्यूसिंग एजेंट डिबाल एस से भी अपचयन करा सकते हैं और इससे हमें मिलेगा एल्डिहाइड। अगर हमें कीटोन बनाना है तो हम कार्बन धात्विक यौगिकों का यूज करेंगे। और सीधा सीधा प्रोडक्ट बनाने का क्या तरीका, मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन को हम हटाकर ऑक्सीजन लगा दें और कार्बन धात्विक यौगिक का क्या लगा देंगे, आर। तो इस प्रकार से हम कीटोन डायरेक्ट लिख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के द्वारा भी हम एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण हम लेते हैं और उसका शुष्क आसवन हम कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। अगर फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा, और सेकेंड डिग्री अगर अल्कोहल है तो उससे हमें कीटोन मिलेगा। टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन
नहीं हो पाता है। और एल्काइन से हमने कैसे बनाया था, एल्काइन पर हमने जल का योग किया था मर्करिक आयन की प्रेजेंस में, तो हमें संगत एल्डिहाइड्स कीटोन प्राप्त होते हैं। और एल्कीन से भी हम एल्डिहाइड कीटोन्स बनाते हैं ओजोनोलिसिस के द्वारा। ओजोनाइट बनने के बाद हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। अगर हम रिडक्टिव वर्कअप करते हैं तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं, किंतु अगर हम ऑक्सीडेटिव वर्कअप करते हैं तो हमें एसिड और कीटोन प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट मेथड हमने पढ़े थे, नेम रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन और गाटरमान कोच रिएक्शन, जिससे हमने बेंजल्डिहाइड बनाया था। और वो दोनों ही रिएक्शन अभी हम जो प्रॉब्लम करेंगे उसमें वो यूज होने वाली है। ये एक प्रॉब्लम आपको सेकंड वीडियो लेक्चर में दी गई थी सॉर्ट आउट करने के लिए। यहाँ आप देखिए क्या हो रहा है रिएक्शन में, ये है प्राइमरी अल्कोहल और इससे बन रहा है एल्डिहाइड। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कोई भी दुर्बल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यहाँ लिख सकते हैं, पीसीसी, डीएमपी, और ये है सेकेंडरी अल्कोहल जो कि कीटोन में चेंज हो रहा है। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में बदलते हैं, तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग हम दुर्बल भी ले सकते हैं और प्रबल भी ले सकते हैं, जॉन्स रिएजेंट ले सकते हैं, क्रोमिक एसिड ले सकते हैं, पीसीसी भी ले सकते हैं। और ये है एल्कीन, साइक्लिक एल्कीन, तो ये बॉन्ड आपने तोड़ा है और तो ओजोन बनेगा। और फिर जब तो पहले हम कराएंगे यहाँ पर क्या आएगा, ओजोन ओजोनोलिसिस फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड में आप लिखेंगे यहाँ पर रिडक्टिव वर्क। जिंक के साथ हाइड्रोलिसिस, और ये आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड। ये दोनों एल्डिहाइड है, यहाँ पर भी एक एच है और इधर भी एक एच है, तो ये आपको डाइल मिल जाएगा। देखिए इसका नामकरण भी आप करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2, 3, 4, 5 पे क्या लगा है, डाइमेथिल डायल, डायल बोलेगा ये दो है ना, ये हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, तो उसका नामकरण भी आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम डाइथाइंस पर बेस्ड है। यहाँ हम देखिए ब्यूटिल लिथियम ले रहे हैं पहले, तो ये एक एच निकलेगा और इसको मैं यहाँ शॉर्ट में आपको दिखाऊंगी। आपको बिना रटे समझ के रिएक्शन को करना है। आपने एक प्रोटोन निकाला इस ब्यूटिल लिथियम के साथ, और अब हम ले रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, डाई हेलो एल्किल ग्रुप है। तो अब आप जो रिएक्शन कराएंगे तो इसको आपको जोड़ना है, डाई एल्किल, इसको डाई हेलो कंपाउंड को, तो ये इस तरह से आपको यहाँ जोड़ देना है। सीएल तो बाहर निकल जाएगा और ये बचे सी एच टू, तीन, 1, 1 कार्बन, 2, 3, और यहां पर क्या लगा है, दूसरा हैलोजन ब्रोमाइड। अब फिर हम इसको जब फिर इससे रिएक्शन करा रहे हैं ब्यूटिल लिथियम के साथ बेस के साथ, तो फिर ये निकल जाएगा प्रोटोन बाहर, और ये फिर हम कराएंगे, ये बाहर निकलेगा और ये जुड़ जाएगा यहाँ, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये आप जोड़ दीजिए, 3 कार्बन, नहीं CH2 CH2, और ये हमारा पूरा जो बाकी का कार्बन का सिस्टम था वो। और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइक्लोब्यूटेनॉन। तो दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। बहुत इजीली आप स्टेप बाय स्टेप समझ के करें तो आप बिना रटे प्रोडक्ट इजीली बना लेंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दो बेंजीन रिंग जुड़ गई है, एरिल रिंग जुड़ गई है, इसका मतलब हमने ब्यूटिल लिथियम लिया, और ये सेकेंड नंबर पे हम कौन सा हैलाइड लेंगे, एरिल हैलाइड, ये हम ले लेंगे एरिल हैलाइड।
तो ये एरिल ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, ये निकल जाएगा और एरिल ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा। दो बार रिएक्शन कराएंगे, दो एरिल ग्रुप प्रोडक्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये देखिए एसिटिलीन है और ये हमने पढ़ा है कि जब हम एसिटिलीन को पास करते हैं रेड हॉट ट्यूब से तो हमें क्या मिलता है, इसके तीन मॉलिक्यूल साइक्लाइज होकर क्या बनाते हैं, बेंजीन। याद है आप लोगों को कि जब एसिटिलीन को पास करते हैं तो क्या बनती है, बेंजीन। और अभी हमने नेम रिएक्शन जो मैंने आपको जिक्र किया था, बताइए कौन सा नेम रिएक्शन है वो जो यहाँ हमको करना है बेंजीन पर, बैटरमान कोच रिएक्शन। कैसे याद रखेंगे, कोच से, कोच का मतलब CO लेना है आपको, CO प्लस HCl, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाटरमान कोच रिएक्शन। और गाटरमान रिएक्शन में हम लेते हैं HCN, कोच में आप CO याद रखिए, और अगर गाटरमान रिएक्शन है तो यहां पर हम लेंगे HCN, गाटरमान N आ रहा है तो उससे आप याद रखें कि हम लेंगे HCN। अब ये जो यहाँ बना बेंजीन, इसका हम क्या करा रहे हैं, ये CH3Cl क्या है, ये अल्काइलेशन, फीडलक्राफ्ट रिएक्शन। फीडलक्राफ्ट रिएक्शन आप जब कराते हैं बेंजीन का तो क्या हो जाएगा, एल्किल ग्रुप आएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फीडलक्राफ्ट रिएक्शन अल्काइलेशन एसाइलेशन के लिए। और टोलिन का, टोलिन से हम जो जब क्या कराएंगे, ये क्या है, ब्रोमिल क्लोराइड। कौन सा नेम रिएक्शन है, अभी मैंने आपको बताया था कौन सा नेम रिएक्शन है, ये है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इटोलिन का क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड। तो बी और डी क्या है, सेम। तो देखिए कितनी इजीली हमने ए बी सी को पहचान लिया। इसको देखें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को, देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और कैडमियम क्लोराइड, इन दोनों की अभिक्रिया से क्या बनता है, R2CD कैडमियम डाइएल्किल कैडमियम, R हमारा क्या है यहाँ पर CH3। अब इस A की जब यहाँ हमने रिएक्शन कराई तो अभी मैंने आपको समझाया था कि कैसे हम एसाइल क्लोराइड से कीटोन बनाते हैं, तो आपको क्या करना था, मैंने आपको समझाया कि Cl को हम हटाएंगे और यहाँ पर जो डाई एल्किल कैडमियम है उसका R हम लगा लेंगे, तो ये बन गया PhCO और क्या आएगा बच्चों, R, R का मतलब CH3। और इसका जब हम अपचयन करेंगे NaBH4, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, इसको रिड्यूस करेगा कीटोन को, किसमें कर देगा, अल्कोहल, बस अल्कोहल में कर दीजिए, R लगा दीजिए, जो भी R है क्योंकि हमारे जो प्रॉब्लम है उसमें वो CH3 है इसलिए हम उस R को CH3 लिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, ये है साइनाइड, और देखिए साइनाइड को जो हम गिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड से कराते हैं तो क्या बनते हैं, कीटोन। अगर साइनाइड की रिएक्शन हम रिड्यूसिंग एजेंट से कराते हैं तो बनते हैं एल्डिहाइड, पर अगर हम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड से कराते हैं तो बनते हैं कीटोन। अभी तो हम क्या करेंगे, एन को हमने बताया कि ऑक्सीजन लगा देंगे और कार्बन पर क्या लगा देंगे, ये आर, तो क्या प्रोडक्ट आपका बनेगा, पीएच, सी पर हम क्या लगा दें, कितने कार्बन की चेन है, 1, 2, 3, तो ये लगा दीजिए 1, 2, 3 और ये डबल बॉन्ड हो। तो देखिए बच्चों कितना इजीली हमने प्रोडक्ट बना लिया, आर को यहाँ जोड़ दिया, नाइट्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया ऑक्सीजन से और इस तरह से हमने कीटोन बना दिया। नेक्स्ट रिएक्शन है ये फिनॉल के साथ जब जिंक की रिएक्शन कराते हैं तो इससे हमें मिलता है बेंजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बेंजीन बनाने का मेथड भी है, और इसको जब हम अब कराएंगे, ये कौन सी रिएक्शन हो गई अभी हमने पढ़ी है, ये वाली,
हिल्सडॉर्फ रिएक्शन, अल्काइलेशन और एसाइलेशन. तो ये क्या है? एसाइलेशन. कौन सा ग्रुप आ जाएगा? COCl. एसिटोफिनॉल बन गया. और इसका अब हम क्या करा देंगे? अपचयन. तो जैसे यहाँ पे चेंज हुआ था, यानी NaBH4 था, तो CO किसमें चेंज हो गया था? अल्कोहल में. तो यहाँ पर भी किसमें चेंज हो जाएगा? अल्कोहल में. सेम. तो देखिए कितनी इजीली हमने प्रोडक्ट बना लिया है. और अब ये रिएक्शन है ये वाला, देखिए इससे आपको प्रोडक्ट बताना है. तो ये बॉन्ड आप तोड़ेंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे, ओजोनोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस होगा. यहाँ हम एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हम इसको दोबारा से करते हैं. देखिए इसको आपको कुछ नहीं छेड़ना, बस आपको डबल बॉन्ड यहाँ तोड़ के लगा देना है, ओ लगा देना है. हम क्या करते हैं, बॉन्ड तोड़ के क्या लगा देते हैं? ओ, डबल बॉन्ड ओ. तो ये बीच में है, तो यहाँ डबल बॉन्ड ओ और यहाँ लगाएंगे, तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया. बस, वेरी सिंपल. अब हम कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी को समझेंगे. हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी होता है कार्बन की तुलना में, इसलिए पाई के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन पर ऋण आवेश और कार्बन पर धन आवेश आ जाता है, और इस तरह से CO में डायपोल भी जनरेट हो जाता है. ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम है CO ग्रुप का. कार्बन के sp2, जो दो sp2 ऑर्बिटल हैं, वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन के पास जो दो sp2 हैं, वो बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहे, और वो sp2 ऑर्बिटल में एज ए लोन पेयर की तरह उपलब्ध हैं. और कार्बन का sp2 और ऑक्सीजन का sp2 क्या बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड. और कार्बन का पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड और ऑक्सीजन का अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल मिलकर बना रहे हैं CO पाई बॉन्ड. इसी को हम एक बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से भी समझने का प्रयास करते हैं. ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है कार्बोनिल समूह का. लेफ्ट में हमने कार्बन एटम लिया है और राइट में हमने लिया है ऑक्सीजन एटम. क्योंकि ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, इसलिए उसके जो एटमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कार्बन से नीचे है, कम है. ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन के 2s और 2p हाइब्रिडाइज होकर 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं, और कार्बन के भी इसी तरह से s और p मिलकर हाइब्रिडाइज्ड sp2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं. तो ये जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कार्बन के जो दो हैं, ये दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और जबकि ऑक्सीजन के जो दो sp2 हैं, उनके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में वो रहते हैं, अर्थात नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के रूप में. और कार्बन का एक sp2 और ऑक्सीजन का एक sp2, ये मिलके सिग्मा बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं कि बॉन्डिंग होती है और ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड. अगर हम सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी को देखें, तो हम देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन के sp2 ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन. इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा, उसका जो ऑर्बिटल है वो थोड़ा सा विकृत हो जाता है, और ऑक्सीजन की तरफ उसका झुकाव ज्यादा रहता है. यानी कि जो लोब है, आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा खींची हुई है. और इसी तरह से कार्बन के पास जो एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल रहता है, और ऑक्सीजन का जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, वो बॉन्डिंग कर पाई ऑर्बिटल बना रहे हैं. और पाई ऑर्बिटल की अगर हम एनर्जी देख रहे हैं, तो इसके अंदर भी ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है बजाय कार्बन के, और इसलिए ये ऑर्बिटल भी डिसऑर्डर्ड हो जाता है. और किसकी तरफ ज्यादा रहता है? कार्बन की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा रहती है. अब हम पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल देखें. पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी से हमें ये मालूम चल रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर कार्बन के पी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल की तुलना में ज्यादा है.
इसलिए यहां भी ये देखिए बॉन्ड डिसॉर्टेड हो जाता है और किधर की तरफ डिसॉर्ट हो गया है, कार्बन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। जब इस प्रकार से अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी को समझें तो यहाँ पर तीन तरह के रिएक्टिव सेंटर होते हैं। कार्बन का एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर काम करता है, और अल्फा पर अगर हाइड्रोजन है और कोई बेस अगर अभिक्रिया में हम डाल देते हैं तो ये प्रोटोन रिमूव हो जाते हैं और कार्बन आयन बन जाता है, इनोलेट आयन बन जाता है। अभी जैसे कि हमने बताया कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये एज ए वीक बेस भी काम करता है, इसका प्रोटोनेशन हो जाता है, प्रोटोनेशन होने से ऑक्सीजन पर धन आवेश आ जाता है और ये जो है वो रेजोनेंस इसके अंदर होता है। रेजोनेंस होने की वजह से कार्बन पर भी धनावेश आ गया, अर्थात पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। जब ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो जाता है तो कार्बन भी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है, इतना इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है कि उस पर दुर्बल न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजिली हो जाता है, जैसे कि एल्कोहल का, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर बढ़ जाता है। कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो न्यूक्लियोफिलिक युग्मात्मक अभिक्रियाएं होती हैं वो रिवर्सिबल होती हैं और कितनी तीव्रता से या कितनी इजीली कोई रिएक्शन होगी ये इस के इक्विलिब्रियम पर डिपेंड करता है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। तो अगर हम कांस्टेंट को कंपेयर करें तो फॉर्मेल्डिहाइड पे जो रिएक्शंस होती है रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि के इक्विलिब्रियम, वो एसिटाल्डिहाइड की तुलना में 2000 टाइम्स फास्ट होती है और कीटोन्स के अंदर या एसीटोन के अंदर एसिटाल्डिहाइड की तुलना में क्रियाशीलता और भी कम होती है। तो इसीलिए एल्डिहाइड्स फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड से ज्यादा क्रियाशील होता है और एसिटाल्डिहाइड एसीटोन से ज्यादा क्रियाशील होता है, क्योंकि के इक्विलिब्रियम का मान फॉर्मेल्डिहाइड के लिए सबसे ज्यादा है। जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करता है, यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और जब वो अटैक करता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3, यानी कि पहले तीन ग्रुप लगे हुए थे अब चार हो जाते हैं, तो थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है। इस स्टेरिक हिंड्रेंस की बढ़ने की वजह से कार्बोनिल की जो न्यूक्लियोफिलिक युग्मात्मक अभिक्रियाएं हैं वो किस प्रकार प्रभावित होती हैं, किन किन फैक्टर्स पर न्यूक्लियोफिलिक युग्मात्मक अभिक्रिया डिपेंड करती है, आइए हम उनको समझते हैं। अगर हम क्रियाशीलता की बात करें तो फॉर्मेल्डिहाइड ज्यादा क्रियाशील है एसिटाल्डिहाइड की तुलना में और एसिटाल्डिहाइड ज्यादा क्रियाशील है एसीटोन से। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है वो कम होती जाती है, क्योंकि हमने अभी देखा कि sp2 से sp3 हो गया हाइब्रिडाइजेशन, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है। जब प्रोडक्ट बनता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है और उसकी वजह से डीस्टेबलाइजेशन प्रोडक्ट में आता है। इसलिए कीटोन्स जो है एल्डिहाइड की तुलना में उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है, अर्थात कीटोन्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है किंतु क्रियाशीलता कम होती है न्यूक्लियोफिलिक युग्मात्मक अभिक्रियाओं के प्रति। दूसरा जो फैक्टर है जिसके माध्यम से हम समझा सकते हैं कि एल्डिहाइड क्यों ज्यादा क्रियाशील होते हैं कीटोन की तुलना में, बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की गति को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़े, अर्थात उस पर धन आवेश क्या हो, ज्यादा हो। जितना ज्यादा धन आवेश होगा उतना इजीली न्यूक्लियोफाइल का योग होगा,
पर अगर हमने एल्कल समूह लगा दिया तो ये कैसा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई। तो प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से वो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, अर्थात उसके धन आवेश को क्या करेगा, कम करेगा। और अगर दो मिथाइल ग्रुप लगा दें तो दो ग्रुप देंगे कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को कुछ हद तक कम करेंगे। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिविटी है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी स्लो हो जाएगी। इसलिए जैसे जैसे आर बढ़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान कम होता जाएगा, यानी कि क्रियाशीलता कम होगी। इसके अलावा क्योंकि हमें कार्बन पर धन आवेश बढ़ाना है, अगर पास वाले कार्बन पर कोई हम इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगा दें, जो CO ग्रुप है उसके पास वाले कार्बन पर कोई हम इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगा दें, तो चूंकि हमने आयोडाइड लगाया है, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड, तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक युग्मक अभिक्रियाओं के प्रति भी बढ़ रही है, क्योंकि जो जितना प्रबल इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा वो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कार्बन पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यानी कि धनावेश बढ़ जाएगा, तो कार्बोनिल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी और इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इजीली संपन्न हो जाएगी। इसके विपरीत अगर कार्बोनिल पर कोई पाई इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह लगा हो, तो उस स्थिति में कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि यहाँ ये अमाइड ग्रुप, ये है अमाइड और ये है अमीन लगा है, ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ा रहा है, हमें इलेक्ट्रॉन की क्या करनी है, कमी, तो कमी नहीं हो रही है तो इसलिए ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा। और एस्टर अगर हम लगाएंगे तो ये इससे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है कार्बन इसका, और एनहाइड्राइड एस्टर की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, और एसाइल क्लोराइड क्योंकि क्लोराइड माइनस आई इफेक्ट है, ओएसी का भी यहाँ माइनस आई प्लस एम इफेक्ट है, तो अगर माइनस आई इफेक्ट प्लस एम से ज्यादा इफेक्टिव है, पाई डोनर से ज्यादा इफेक्टिव है, तो वो इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इससे ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इजीली संपन्न हो जाएंगे। इसको हम पाई ऑर्बिटल्स से भी समझ सकते हैं कि किस तरह से न्यूक्लियोफाइल आता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये CO का जो CO ग्रुप था उसका ये पाई एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल। जब न्यूक्लियोफाइल आता है तो न्यूक्लियोफाइल का जो होमो है वो इंटरेक्ट करता है ल्यूमो से, पाई एंटीबॉन्डिंग से, तो जो न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन है वो इसके ल्यूमो के साथ इंटरेक्ट करते हैं और फिर ये इस तरह से बॉन्डिंग करता है, और इसके साथ साथ जब ये आता है तो ये जो भरे हुए पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये टूटना शुरू हो जाते हैं, जैसे ही ये अटैक करता है उसके साथ साथ ये भी टूटते हैं, क्योंकि और उससे जब ये बॉन्ड बना लेता है तो इस तरह से बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड CO के बीच में, और ऑक्सीजन पर आ जाता है ऋण आवेश। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि क्यों स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है, ये हम सभी जानते हैं कि ये है एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाई एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल, और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल या कोई भी स्पीसीज जो बाहर से आ रही है अगर वो इसी लेवल से आए, जिस डायरेक्शन में एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल है अगर वो उसी डायरेक्शन में, यानी कि परपेंडिकुलर अगर वो उसके साथ बॉन्डिंग करता है तो वो मैक्सिमम ओवरलैप होगा, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि जो भरे हुए पाई ऑर्बिटल हैं उनके साथ इसके न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रिपल्शन, और उस रिपल्शन के होने के कारण ये परपेंडिकुलरली यहाँ से ऐसे नहीं आ पाता, और कितने एंगल से आता है, 107 से,
अब जब ये 107 से एंगल से आता है और ये जो दो ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर सी पर, तो इसलिए इनकी अगर ये बड़े ग्रुप हैं तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच मुश्किल हो जाता है। अगर ये बड़े ग्रुप हैं तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम देख सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड है और इसलिए ये ऑर्बिटल लीन हो जाते हैं, थोड़े से पीछे हो जाते हैं, झुक जाते हैं। और इसीलिए जैसे जैसे अगर ये एल्किल ग्रुप बड़ा होगा, बढ़ता जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक युग्मक अभिक्रियाएं स्लो हो जाएंगी। ये रिएक्शन दो मैकेनिज्म से होती है, एडिशन रिएक्शन, बेस कैटलाइज भी होती है और एसिड कैटलाइज भी होती है। जब ये रिएक्शन बेस कैटलाइज होती है तो OH जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइलिक अटैक करेगा कार्बन पर और यहाँ पर ये अल्कोक्साइड बन जाएगा और अब इसका प्रोटोनेशन होगा और इस तरह से हमें युगात्मक न्यूक्लियोफिलिक युगात्मक प्रोडक्ट प्राप्त होगा, जैसे कि यहाँ पर है जर्मिनल डायोल। एसिड कैटलाइज रिएक्शन में जो ऑक्सीजन है उसका प्रोटोनेशन होता है और जब इसका प्रोटोनेशन हो जाता है तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाती है और कार्बन पर भी धनावेश आ जाता है। तो जब ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो जाता है तो अब ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इतनी बढ़ जाती है कि यहाँ पर कोई दुर्बल न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है, जैसे कि अल्कोहल। प्रोटोनेशन होने के बाद अब न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, तो ये कार्बन पर धनावेश इजीली यानी कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है और अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो भी न्यूक्लियोफाइल है उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जुड़ गए और बाद में अब डीप्रोटोनेशन हो जाएगा और इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ये रिएजेंट्स हैं अलग अलग और इनका न्यूक्लियोफिलिक युग्मक अभिक्रिया होती है और फिर हम उसका करते हैं प्रोटोनेशन एसिड वर्कअप, तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो गिगनार्ड रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल आपका है R, ऑर्गेनोलिथियम में भी R, सोडियम बोरोन हाइड्राइड में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल पार्ट है वो है हाइड्राइड, साइनाइड में है CN, तो यहाँ CN जुड़ जाएगा और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो है हाइड्राइड, तो इस तरह से मिल जाते हैं हमें अल्कोहल्स। आइए हम इनका मैकेनिज्म शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। गिगनार्ड रिएजेंट नेगेटिव CH3 जो है इस कार्बन पर अटैक करेगा और इस तरह से ये एडक्ट बनेगा और इसका फिर फर्दर प्रोटोनेशन होगा, एसिड वर्कअप हम कराते हैं। और ये जो BR है ये कहाँ से आया, आपको लग रहा होगा जो हमने एसिड लिया तो एसिड हमने लिया यहाँ पर HBr, तो उससे ये जो BR आया है और मैग्नीशियम BR मिलकर ये निकालते हैं बाई प्रोडक्ट MgBr2 और ये ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होकर ये अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पर आ जाता है। इसी तरह से ऑर्गेनोलिथियम, या हम एसिड वर्कअप में क्लोराइड ले रहे हैं और ऑर्गेनोलिथियम का R आपको इस कार्बन पर CO पर न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, उसके बाद प्रोटोनेशन हो जाएगा और ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा प्रोटोन और इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप अल्कोहल में। इसी तरह से सोडियम बोरोन हाइड्राइड, यहाँ से हाइड्राइड इस कार्बन पर अटैक करेगा, अल्कोक्साइड बनेगा और फिर ये प्रोटोन वर्कअप हो रहा है और ये बन रहा है अल्कोहल। तो यानी कि हमने देखा कि एल्डिहाइड कीटोन रिड्यूस हो गए अल्कोहलिक ग्रुप के अंदर। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहां से भी H का एडिशन यहाँ होगा हाइड्राइड का और अल्कोहल में रिडक्शन। अल्कोक्साइड से OR, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है जो कि यहाँ कार्बन पर अटैच होगा और ये अल्कोक्साइड्स, फिर फर्दर फिर प्रोटोनेशन और इस तरह से हमें ये न्यूक्लियोफिलिक युग्मक उत्पाद प्राप्त होगा। अब एक और हम लास्ट में एक्सरसाइज करेंगे
ये है कीटो ग्रुप और इसी के अंदर लगा हुआ है बीआर। तो क्वेश्चन ये है कि इससे ये जो गैगनार रिएजेंट हम बना सकते हैं ये क्यों नहीं बना सकते या ये स्टेबल क्यों नहीं है। इसका कारण ये है बच्चों, क्योंकि अगर हमने ये बनाया तो देखें हम कि ये गैगनार रिएजेंट हुआ। तो गैगनार रिएजेंट क्योंकि बहुत क्रियाशील होता है और जिस यौगिक में गैगनार रिएजेंट है उसी में सीओ ग्रुप भी है, कीटोनिक ग्रुप भी है, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर। एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन हो जाएगा और हम जानते हैं कि कीटोन पर जब गैगनार रिएजेंट की अभिक्रिया होती है तो मिलता है टर्शरी अल्कोहल। इंटरमॉलिक्यूलर भी हो सकती है कि ये इसका एक मोल दूसरे मोल दोनों रिएक्शन करें, गैगनार रिएजेंट दूसरे मॉलिक्यूल पर के सीओ पर अटैक करें, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा टर्शरी अल्कोहल। तो इस वजह से हम इसको नहीं बना सकते हैं। इस तरह से आप और प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं। आपको फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एल्डिहाइड कीटोन्स की और रिएक्शंस को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।